एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी रश में। बॉलीवुड में अपने अदाकारी का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया नवाज की फिल्म बोले चूड़िया में मौनी रॉय को रिप्लेस कर चुकी हैं। तमन्ना साउथ की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार हैं। आपको बता दें, फिल्म में पहले नवाज के साथ मौनी रॉय नजर आने वाली थी, हालांकि फर्स्ट लुक रिलीज करने के बाद ही उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय को हाल में ही बॉलीवुड में एंट्री करते हुए देखा गया। बोले चूड़िया में प्रतिभाशाली अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ऑपोजिट बतौर हीरोइन साइन किए जाने के बाद मौनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर अपने खराब अभिनय के चलते अब फिल्म से मौनी रॉय की छुट्टी कर दी गई। उम्मीदों के मुताबिक मौनी ने अभिनय नहीं किया। इस बीच MOU यानी कि आपसी सहमति पत्र साइन किए जाने के बाद मौनी ने ये बयान दिया कि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और इसी के चलते अब वो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती है। हालांकि इसके पहले उन्होंने एक लीडिंग न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके लिए एक भगवान की तरह है और उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी काफी पसंद आई है। खास बात ये है कि अपनी डेब्यू फिल्म के बाद मौनी के पास कोई ज्यादा काम नहीं था, मगर बोले चूड़िया के लिए साइन किए जाने के बाद से मौनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थी और उन्हें इसकी बदौलत अच्छे रोल्स के ऑफर्स भी आने लगे। इसके पहले उनके द्वारा की गई फिल्म में उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी। वुडमेकर मूवीज ने मौनी रॉय को खबरों में लाने के लिए काफी पैसे भी खर्च किए, मगर एक बार सुर्खियों में आ जाने के बाद मौनी और उनकी एजेंसी फिल्म को दी गई डेट्स किसी अन्य फिल्म के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इस पूरे मामले पर बात करते हुए फिल्म के निर्माता राजेश भाटिया ने कहा, हम इस बात से इनकार करते हैं कि हम में से किसी ने भी मौनी के साथ गलत बर्ताव किया है। कॉन्फ्रेंस रूम में उस वक्त 25 लोग पहले से ही मौजूद थे जब मौनी रॉय स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए तयशुदा वक्त से 3 घंटे देरी से पहुंची। सच तो ये है कि मौनी रॉय का बर्ताव गैर जिम्मेदाराना रहा है। वो छुट्टियां बिताने में व्यस्त थी और उन्होंने अब तक एक आध बार ही स्क्रिप्ट रीडिंग में हिस्सा लिया है। हमने फिल्म में एक बड़ी रकम लगाई है और ऐसे में पूरी विनम्रता के साथ किसी से प्रोफेशनलिज्म और फिल्म के प्रति समर्पण दिखाने के लिए कहना गलत है, तो मैं उसे याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे लिए फिल्म बनाना एक संजीदा काम है जिसमें काफी पैसे लगते हैं। ये हमारा महज शौक ही नहीं है। जब से हमने मौनी को फिल्म के लिए साइन किया है, तब से खुद मौनी और उनकी एजेंसी का रवैया बेहद ही अव्यवहारिक और गैर जिम्मेदाराना रहा है। बावजूद इसके हमने उसके लिए मेहनताने का पैसा पहले ही दे दिया था। 29 मई 2019 को हुई स्क्रिप्ट की फाइनल नरेशन के दिन भी मौनी 3 बजे के बजाय शाम 5:30 बजे पहुंची थी। उनके इस रवैये ने निर्माताओं, निर्देशक और अभिनेता को काफी शर्मिंदा कर दिया था। अगर रोल की बात की जाए तो ये एक उम्दा स्क्रिप्ट है और जहां तक रचनात्मक की बात है तो ये डायरेक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन आप सभी को ये बता दूं कि फिल्म में लड़की का रोल बेहद अहम है और इसमें 5 गाने लड़की पर ही फिल्माए जाने हैं। ऐसे में इतने बड़े और शानदार हीरोइन वाले रोल को लेकर शिकायत करना गलत है, जबकि उन्होंने अन्य फिल्मों में बेहद ही छोटे और मामूली रोल्स किए हैं। सच कहें तो उन्हें पता है कि वो गलत हैं। ऐसे में वो खबरों में रहने के लिए महज अपना बचाव कर रही हैं। वेल, राजेश भाटिया के इस बयान के बाद मौनी रॉय ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि नवाज की फिल्म के लिए उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। वेल, इस खबर के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि इस फिल्म में नवाज के बाद मौनी के साथ कौन होगा। तो आप बता दें कि नाम तय किया जा चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया है। तमन्ना के साथ नवाज की जोड़ी को स्क्रीन पर देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए तमन्ना ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जुड़कर मैं बहुत ही खुश हूँ। इस फिल्म की स्क्रिप्ट बेहद ही खूबसूरत है। ये पहली बार होगा जब मैं कोई ऐसा अलग सा किरदार करती हुई नजर आऊंगी। फिल्म की स्टोरी लाइन ने मुझे इस फिल्म की तरफ आकर्षित किया है, जो आज भी बड़े पैमाने पर एक समाज का प्रासंगिक और प्रचलित मुद्दा बना हुआ है। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं फिल्म की कास्टिंग से बेहद ही संतुष्ट और बहुत खुश हूँ। मैं तमन्ना के साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। क्या आप नवाज और तमन्ना को एक साथ एक फिल्म में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हिंदी रश।